नमस्कार, मैं हूं आयुषी वत्स और आप देख रहे हैं जीसीपी न्यूज़। और अब बात करते हैं जल सहैया संघ की गई विधायक आवास में भूख हड़ताल की। झारखंड राज्य जल सहैया कर्मचारी संघ पलामू पाकी ने बुधवार को पाकी विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशिभूषण मेहता के सगालीम स्थित आवास पर एक दिवसीय भूख हड़ताल किया। भूख हड़ताल में पाकी विधानसभा की सैकड़ों जल सहैया ने भाग लिया। भूख हड़ताल के बाद मुख्यमंत्री के नाम पांकी विधायक को 5 सूत्री मांग पत्र सौंपी गई। विधायक डॉक्टर मेहता ने कहा कि जलसहिया बहनों की मांग जायज है, हम इनके मांग को समर्थन करते हैं। आयोजित कार्यक्रम का नेतृत्व संघ के पांकी अध्यक्ष पिंकी देवी व उपाध्यक्ष बबीता देवी, सचिव ममता शर्मा ने किया। मनातू से सुधीर कुमार की रिपोर्ट। धन्यवाद। कई तरह का जो सुविधा मिलना चाहिए वो कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। हम इनके डिमांड को पूरी तरह से सुसहमत है, इनका हम डिमांड को पूरा कराने के लिए आज ही माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को पत्र लिख रहे हैं इनके मांगों को इंक्लोज करते हुए, और आग्रह करेंगे कि इनकी मांगों को तुरंत स्वीय माना जाए, इनका जो लंबित मानदेय उसको भुगतान किया जाए। और ये तो बहुत कम है सो सम्मानजनक है, उन्होंने लिखा है कि मिलना चाहिए मानदेय, लेकिन हमारा मानना है कि कम से कम आज के समय में, इस महंगाई के समय में 10,000 रुपया से कम इनका मानदेय नहीं होना चाहिए। कम से कम 10,000 रुपया मानदेय के रूप में तो सरकार देना शुरू करे, और आने वाले समय में जब बजट सत्र होगा तो हम लोग इसको पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के और विधायकों से मिल करके, और हम विधानसभा में इनके सवालों को हम उठाएंगे और सरकार से आग्रह करेंगे कि आप इनके डिमांड को पूरा करें, और नहीं तो विधानसभा सत्र हम लोग नहीं चलने देंगे। इनके पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपनी मांगों को लेकर के विधायक आवास पर भूख हड़ताल अनशन धरना का कार्यक्रम था, जब हमें जलसैया बहनों ने जो डिमांड दिया है, जो मांग दिया है 5 सूत्री मांग, वो पूरी तरह से जायज है। और इसको जान करके मुझे हैरत हुआ कि 18 महीना से इन्हें मानदेय जो मात्र 1,000 रुपये मिला करता था वो भी नहीं मिल पाया, और ये किस प्रकार से घर परिवार चला रही हैं ये सोचने की बात है। साथ ही साथ इन्हें कई तरह का जो सुविधा मिलना चाहिए वो कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। हम इनके डिमांड को पूरी तरह से सुसहमत है, इनका हम डिमांड को पूरा कराने के लिए आज ही माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को पत्र लिख रहे हैं इनके मांगों को इंक्लोज करते हुए, और आग्रह करेंगे कि इनकी मांगों को तुरंत स्वीय माना जाए, इनका जो लंबित मानदेय उसको भुगतान किया जाए। और ये तो बहुत कम है सो सम्मानजनक है, उन्होंने लिखा है कि मिलना चाहिए मानदेय, लेकिन हमारा मानना है कि कम से कम आज के समय में, इस महंगाई के समय में 10,000 रुपया से कम इनका मानदेय नहीं होना चाहिए। कम से कम 10,000 रुपया मानदेय के रूप में तो सरकार देना शुरू करे, और आने वाले समय में जब बजट सत्र होगा तो हम लोग इसको पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के और विधायकों से मिल करके, और हम विधानसभा में इनके सवालों को हम उठाएंगे और सरकार से आग्रह करेंगे कि आप इनके डिमांड को पूरा करें, और नहीं तो विधानसभा सत्र हम लोग नहीं चलने देंगे। ग्रामीण एवं देश विदेश की अनोखी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।